हेलो गाइस एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक्स की और बुक्स में छुपी हुई थ्योरीज की। जैसे कि आपको मेरे चैनल के फॉर्मेट का पता है, मैं बुक्स से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और बुक्स से रिलेटेड पॉडकास्ट करता हूँ। वही मेरा एक कंटेंट है जहाँ मैं बुक पढ़ने के बाद बुक्स से रिलेटेड थ्योरी आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी बुक बुरी नहीं होती, इसलिए मैं किसी भी बुक का रिव्यू नहीं देता। पर यस, मैं आपको बुक रिकमेंड जरूर करता हूँ बेस की उस बुक में क्या अच्छाई है। क्योंकि मेरा मानना है बुक चाहे कैसी भी लिखी हो, स्टोरी चाहे कैसी भी हो, हर बुक में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो उस बुक को पढ़ने पर आपको मजबूर कर देती है। तो रिसेंटली मैंने बुक पढ़ी दी सेवेंथ कप, रिटन बाय नितेश जैन, और आज हम बात करने वाले हैं इस वाली किताब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बुक्स एंड थ्योरीज के इस एपिसोड की। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना। इस बुक के बारे में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो क्या खास है इस सेवेंथ कप में, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। जनरली हम जब बुक सिलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए या हम बुक स्टोर में जाते हैं बुक्स लेने के लिए, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यार हमारा फेवरेट ऑथर की कोई नई बुक आई है कि नहीं आई है, या कोई रिनोन ऑथर की बुक सर्च करते हैं, या हम कोई रिनोन बुक को सर्च करते हैं जिसका हमने नाम पहले जो सुन रखा है हम उसको सर्च करते हैं, या हम किसी रिनोन पब्लिशर की बुक को सर्च करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम इन तीनों क्राइटेरियाज के बाहर कुछ उठा लेते हैं और फिर हमें रियलाइज होता है कि यार हमने ना बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ दी सेवेंथ कप के लिए। मैंने दी सेवेंथ कप का नाम ज़्यादा नहीं सुना था मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारे बुकस्टाग्रामर्स को फॉलो करता हूँ, तो मैंने कहीं किसी पोस्ट में दी सेवेंथ कप का नाम देखा था, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली कि मैं इस बुक को जाके पढ़ लूँ। नितेश ऑब्वियसली ही इज़ अ फर्स्ट टाइम राइटर, तो इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना था मैंने। फिर भी मैंने इस बुक को उठाना चाहा, मुझे मन किया कि आप पढ़ के देखते हैं। एंड टेलिंग यू गाइस, आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन बाय रीडिंग दिस बुक, क्योंकि इस बुक में बहुत कुछ खास है। नितेश जैन ने इस बुक को ब्यूटीफुली लिखा है, बहुत प्रॉपरली लिखा है, रिसर्च करके लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक में क्या खास लगा मुझे, कौन सी थ्योरीज मुझे खास लगी। सबसे परफेक्टली इसमें जो लिखा है ना, वो है स्विट्जरलैंड के बारे में। नितेश जैन ने स्विट्जरलैंड को परफेक्टली डिस्क्राइब किया है, केवल ब्यूटी नहीं बट उसकी ज्योग्राफी को, उसकी हिस्ट्री को, उसके हिस्टोरियल फैक्ट्स को, लोकेशंस को, एवरीथिंग इस ढंग से डिफाइन किया है कि आपको लगेगा कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्विट्जरलैंड। क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसी चीज़ को इतनी बारीकी से लिख सकते हैं जो आपने महसूस की हो, जो आपने देखी हो। इसलिए फिर मैंने थोड़ा नितेश के बारे में जानने की कोशिश की, मैंने रियलाइज़ कि नितेश 2-2.5 साल स्विट्जरलैंड में बिता चुके हैं, एंड दैट द रीज़न ही नोज एवरीथिंग वेरी परफेक्टली। और इसलिए मेरा मानना है कि शायद नितेश जब स्विट्जरलैंड में अपना टाइम बिता रहे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, ही हैज़ ऑब्जर्व्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी कीनली, और वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से स्टोरी में स्विट्जरलैंड को डिस्क्राइब किया है वो बताता है कि यार उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व ही नहीं किया उसको प्रॉपरली समझा भी है, क्योंकि इस बुक में आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलते हैं। सेकंड चीज जो इस बुक की मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड दैट इज द रिसर्च वर्क। बुक में चाहे स्विट्जरलैंड की बात हो, चाहे आर्कियोलॉजी की बात हो, चाहे डिटेक्टिव्स की बात हो, जो भी टॉपिक इन्होंने उठाया उसको प्रॉपरली रिसर्च किया। किसी भी राइटर के लिए बहुत जरूरी होता है कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। कई बार राइटर सोचते हैं ठीक है लिख दिया तो लिख दिया, देखी जाएगी, और फिर क्या होता है जब रीडर्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कुछ रीडर्स उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उस चीज को देख के हर्ट होते हैं, उनको लगता है ये तो ना गलत लिख दिया, फिर उस बुक का ना मजा खराब हो जाता है। लेकिन इस बुक में ये बात बहुत ही अच्छे से एंश्योर की गई है कि जो भी चीज लिखी गई है वो प्रॉपरली रिसर्च की गई है, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वेस की बात हो या डिटेक्टिव्स किस ढंग से अपना पोस्टमार्टम और सबकी रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डन वेरी परफेक्टली आफ्टर रिसर्चिंग वेल। आपको उस डिटेल में हर चीज मिलती है एंड आपको बिलीव होता है कि हाँ जो भी लिखा गया है बहुत सही और बहुत करेक्ट तरीके से लिखा गया। देन देयर इज समथिंग व्हिच इज आई विल से अ न्यू इन दिस बुक, दैट इज मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने टाइम ट्रैवलिंग तो देखा है, पर यहाँ पे हमको बात मिलती है मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन की। अब ये क्या बला है? तो मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मेमोरी में ले जाऊँ और आपको अपनी मेमोरी में एक किरदार बना, एक हिस्सा बना। नितेश जैन ने ये चीज बहुत परफेक्टली की है, मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट इस बुक में लेके आए हैं, वो आपको ना इस बुक से बांध के रखता है। आप
पढ़ना चाहते हो क्या मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होने वाला है, और इन्होंने मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया है स्टोरी को फ्लैशबैक में ले जाने के। आपको शुरू के 100-120 पेज तक आपको लगेगा आप काफी कुछ मेमोरी ट्रांसपोर्टेशन में है, आपको फ्लैशबैक की कहानियां सुनाई जा रही है, लेकिन मजा तब आता है जब 120-130 पेज के आगे बढ़ते और फिर उस समय के किरदार, उस समय के कैरेक्टर्स कैसे उस ट्रांसपोर्टेड मेमोरी में जुड़ते हैं और कैसे कहानी अपना रूप लेती है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, दैट इज मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुली रिटन। ये एक थ्रिलर बुक है, मैं शायद बताना भूल गया, और ये थ्रिलर बुक ऐसी है कि आपको बांध के रखती है। मेरा हमेशा मानना है थ्रिलर बुक वो बेस्ट होती है जो आखिरी के 5-10 पेज तक भी आपको ये पता ना चलने दे कि इसका एंड क्या है, और ये बुक आपको वैसा ही मजा देती है। आप लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होने वाला है या नेक्स्ट पेज में क्या होगा, और इसलिए ये बुक मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात जो है कि इस बुक में जो सबसे खास बात मुझे लगी, हर एक कैरेक्टर बहुत परफेक्टली डिफाइंड है। आप रीड करते समय हर एक कैरेक्टर की सोच को समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो। इस बुक में एक चीज और बड़ी खास है कि इसके मैक्सिमम कैरेक्टर्स फॉरेनर है, ऑल्दो रिटन बाय एन इंडियन ऑथर, मैक्सिमम कैरेक्टर्स फॉरेनर है। और एज एन ऑथर मैं जानता हूं कि इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री में और इंडियन ऑडियंस में ये बहुत टफ है कि आप अपने बुक में फॉरेन कैरेक्टर्स को लेके अपने ऑडियंस के सामने परोसे, क्योंकि ऑडियंस इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। बट नितेश हैज डन दिस ब्यूटीफुली, क्योंकि बुक में स्विट्जरलैंड के बारे में इतनी बारीकी से बताया गया है कि आपको बिलीव नहीं होता कि एक इंडियन ऑथर ने लिखा है। आप ये ट्रस्ट करने लगते हो कि ये बुक को किसी ना किसी स्विट्जरलैंड के बंदे ने लिखा है। इंग्लिश बहुत अच्छी है, गुड इंग्लिश, गुड एडिटेड बुक, एंड मेन थिंग वही जो थ्रिलर बुक की बात होती है ना, वो इस बुक में है। नाम बिल्कुल परफेक्ट है, द सेवंथ कप। स्टोरी में सेवंथ कप का क्या नाम मतलब है वो दैट इज सेपरेट थिंग, बट मेरा एक हमेशा मांगना है, हर एक कप के साथ आपके ऊपर एक सरूर चढ़ता है, आपको मजा आने लगता है, और आखिरी कप तक आते आते आप नशे में आ जाते हैं। ये बुक वही काम करती है, धीमे धीमे स्लोली स्लोली कब आपको ये थ्रिलिंग स्टोरी अपनी ग्रिप में ले लेती है ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। और भी इस बुक में बहुत खास बात है, इसमें एक बड़ा अच्छा प्ले है बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। I loved it. The way it has been explained, the way it has been delivered to the audience, it was perfect. और कैसे वो साइंस और रिलीजन का कंसेप्ट आपको थ्रिलिंग पॉइंट तक लेके जाता है, जो आपका मेन सस्पेंस है वहां तक लेके जाता है, ब्यूटीफुली स्टिच्ड। उसके लिए बहुत सोचा होगा नितेश ने, what I feel. So I recommend this book to everyone. A highly recommended book. अगर आप थ्रिलर पसंद करते हैं, you like slow thriller जो आपको एक अलग से महसूस, एक अलग मजा दे सके, then you must definitely pick up this book. Book की link description box में है, so go guys, click on the link and purchase this book. और जब book पढ़ लो तो please मुझे बताना ज़रूर कि मैंने कहीं recommendation गलत तो नहीं दी, because I am sure बुक रिकमेंडेशन गलत नहीं है। दिस अ परफेक्ट थ्रिलर बुक व्हिच आई हैव रेड। सो गाइस, नितेश के सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब कुछ हिट करो एंड डू एंड रीड दिस बुक। अगर आप बुक्स एंड थ्योरीज चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत जल्दी शायद हम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो प्लीज सपोर्ट बुक्स को, मुझको, बुक इंडस्ट्री को, एंड गाइस प्लीज स्टॉप स्क्रॉलिंग, बुक्स पढ़ो। बुक्स में बहुत कुछ है, हर कहानी में बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि आपको क्या मिलेगा यार ओटीटी में। बुक्स में हर एक पेज में कहानी है, तो जाओ डूब जाओ बुक्स की दुनिया में और बने रहो बुक्स एंड थ्योरीज में। बाय बाय।